बंदर और मगरमच्छ। एक सुंदर घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, क्या सुंदर जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच बहती नदी के पास आम के पेड़ों से भरा छोटा सा जजीरा था। हर रोज छोटा बंदर पानी से उभरे पत्थरों पर से कूदते हुए उस जजीरे तक पहुँचता था। पेट भर आम खाने के बाद वही पेड़ की छाव में आराम करता था। वाह, कितने मधुर फल है। बंदर के इस दिन क्रम पर एक मगरमच्छ की नजर थी। आहा, इस पुष्ट बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा, कुछ भी हो इसे तो मारकर खाना ही होगा। एक दिन बंदर रोज की तरह उस जजीरे पर पहुंचा। उसी वक्त वो मगरमच्छ एक पत्थर पर चढ़ गया। उसने अपना सिर और पूंछ पानी में छिपा लिया ताकि बंदर उसे देख ना ले। बड़ी सावधानी से वो बंदर के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। पेट भरने के बाद बंदर जंगल लौटने के लिए निकल पड़ा। अरे अजीब बात है, वो पत्थर आज कुछ बड़ा दिख रहा है। बुद्धिमान बंदर ने तुरंत जान लिया कि वो पत्थर रोज से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। उसने एक योजना बनाई। सुनो पत्थर भाई, कैसे हो मेरे दोस्त। अरे आज मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे नाराज हो क्या। ये पत्थर रोज इससे बातें करता है, बेहतर होगा कि मैं जवाब दे दूं। कैसे हो बंदर भैया, आज तुम थोड़े मोटे लग रहे हो। मगरमच्छ जानता था कि पत्थर का सहारा लिए बिना बंदर जंगल में वापस नहीं लौट सकता था। अरे मूर्ख, मैं पत्थर नहीं मगरमच्छ हूँ, अब तो तुम्हें मार कर ही मैं भरपेट भोजन करूँगा। हाँ याद आया, मैंने गौर किया है, जब भी वो अपना जबड़ा खाने के लिए खोलता है उसकी आँखें बंद हो जाती है। ठीक है, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में कूदता हूँ। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। जब उस मूर्ख मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला, बिजली की तरह कूदते हुए बंदर मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर पैर रखकर तेजी से जंगल में भाग गया। और वो मूर्ख मगरमच्छ, वो तो सिर्फ देखता ही रह गया।